एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगेन होने वाला है एक मीशो हॉल। एंड आज मैं मीशो से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत से आउटफिट्स। इसमें आपको लहंगा, और वो लहंगा है जिनके गुण आपने मुझे दिए थे, जंपसूट, सूट, सब कुछ मिक्स में देखने को मिलेगा, गाउन। तो आई होप आपको आज का कलेक्शन पसंद आएगा। एंड जितने भी आउटफिट है सभी है रीसेलिंग में। अगर आप इनमें से कुछ भी परचेज करना चाहते हो तो आप मुझसे कर सकते हो। मीशो प्राइस एंड रीसेलिंग प्राइस दोनों में सबके साथ यहाँ पे मेंशन करती रहूंगी, तो आप देखते रहना। और अगर आप इनमें से कुछ भी परचेज करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे परचेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, मैं यहाँ पे क्लिप दे रही हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट रहिए रीसेलिंग के लिए भी, क्योंकि वहीं से आप मुझसे परचेज कर सकते हो। एंड अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से। लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप वहां से मीशो डाउनलोड करोगे तो आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पर फ्लिक 30% एंड 100 रेट का ऑफ देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर आप वहीं से मीशो डाउनलोड करें। जितने प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ सभी के कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज जो मैंने नेकलेस पहना हुआ है ये मैंने परचेज किया था मीशो में काफी टाइम पहले, मैंने एक वीडियो में शेयर किया था। तो मैं ट्राई करूंगी उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आउटफिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा। एंड इस लहंगे के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, मैसेज आ रहे थे, और आए भी क्यों नहीं, बिकॉज बहुत सुंदर है। अब देखते हैं आया है नहीं आया है वैसा। अगर ऐसा आ जाता है तो प्राइस के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा वर्थ इट है। इस तरीके के जिप कवर में मिला है, तो ये एक फ्रिल वाला लहंगा है। साइड में आपको फुल इमेज से क्लियर हो जाएगा, काफी कलरफुल सा लहंगा है। तो देखते हैं वैसा आया है या नहीं आया है। तो इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा। लुक एट दिस, आप बोल सकते हो ना क्रॉप टॉप स्कर्ट है ये वाली। फुल लुक एक बार साइड में देख लेना। टॉप जो है इसका बिल्कुल प्लेन है, लेकिन जो स्कर्ट है ये आपको इसमें फ्रिल्स वाली लेयर्ड स्कर्ट देखने को मिल जाएगी। एक तो फैब्रिक है जो नेट फैब्रिक है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। एंड बहुत ही कलरफुल सी आपको इस तरीके की स्कर्ट देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो ना इसमें कितने सारे कलर्स इन्होंने यूज किए हैं, पूरी नेट में आपको देखने को मिल जाएगी। एंड ये गर्ल्स वगैरह के लिए परफेक्ट ड्रेस है, एक डिजाइनर ड्रेस है। एंड इसमें फ्लेयर काफी ज्यादा अच्छा आएगा जब आप इसे पहनोगे, क्योंकि ये नेट का है। एंड अंदर की साइड इसमें प्रॉपर आपको साइटिंग की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसमें कैनकैन इन्होंने नहीं दी है। तो अगर आप कैनकैन स्कर्ट के साथ पहनोगे तो और भी अच्छा लुक आएगा। वैसे इसका खुद का फ्लेयर भी काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये नेट फैब्रिक में है। एंड मुझे इस तरीके की आपको बहुत ही लाइट वेट सी स्कर्ट देखने को मिल जाएगी। एंड फुल लुक आप साइड में देखना। वेस्ट है इसकी अप टू 42 से अप टू 44, जो कि आपके एक्सेल डबल एक्सेल साइज में इजीली आ जाएगी। सेमी स्टिच मिलेगी आपको एक साइड से खुली हुई, जस्ट आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग इसे स्टिच कराना है। तो अभी सारे फेस्टिवल आ रहे हैं तो आप इस तरीके की ड्रेस ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, काफी कलरफुल सी ड्रेस है। तो इसकी मैं मीशो प्राइस एंड रीसेलिंग प्राइस में यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, तो आप देखते रहना। प्लस इसके साथ है ना इन्होंने इस तरीके की टॉप दी है, टॉप इन्होंने बिल्कुल प्लेन दिया है, लाइक जो पूरा लुक है ना वो स्कर्ट का ही लुक है। एंड टॉप बिल्कुल प्लेन दिया है, तो इस तरीके का आपको नेट में ही टॉप देखने को मिल जाएगा फ्री साइज में। मुझे टॉप की क्वालिटी कुछ खास अच्छी नहीं लगी है। इसमें अंदर प्रॉपर सेटिंग की लाइनिंग दी हुई है, लेकिन फैब्रिक और अच्छा हो सकता था। बिल्कुल प्लेन सा टॉप इन्होंने दिया है, फ्री साइज में है, तो आपके एक्सेल डबल एक्सेल साइज में आराम से आ जाएगा। तो अगर आप इस ड्रेस को लेना चाहते हो तो आप इसे किसी और क्रॉप टॉप वगैरह के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, लुक और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे कलर्स हैं। तो आप किसी भी क्रॉप टॉप वगैरह के साथ स्टाइल कर लो, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है और क्वालिटी भी मुझे इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। स्कर्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो अगर आप उस अकॉर्डिंग लेना चाहते हो ले सकते हो। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा। एंड इस लहंगे को मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, काफ़ी खूबसूरत लहंगा है ये वाला। इस तरीके के जिप कवर में ये वाला लहंगा आपको देखने को मिलेगा, एंड पूरा सिक्वेंस में लहंगा है। एक तो कलर बहुत ज्यादा खूबसूरत है इस वाले लहंगे का, एंड मुझे ये लहंगा प्राइस के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा वर्थ इट लगा। कुछ इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वेस्ट से। वेस्ट है पूरी आपको सिक्वेंस की देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको गोल्डन जरी का वर्क भी किया हुआ है, प्लस सिक्वेंस लगाए हुए हैं सिल्वर सिक्वेंस। इस लहंगे का मुझे कलर बहुत ज्यादा सुंदर लगा, एंड जैसा पिक्चर में दिखाया था एज इट इज आपको ये वाला लहंगा ऐसा देखने को मिल जाएगा। कलर बहुत बहुत ज्यादा प्रिटी है, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है वैसा है। ऊपर की साइड पूरे पे आपको सिक्वेंस देखने को मिल जाएंगे, एंड नीचे का बॉर्डर है ना इसका काफी ज्यादा हैवी इन्होंने दिया है, फुल सिक्वेंस
वाला आपको देखने को मिल जाएगा। बॉर्डर आप यहाँ पे देख सकते हैं, कट वर्क किया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। फैब्रिक है इसका नेट फैब्रिक मोनो नेट है एंड अंदर की साइड प्रॉपर आपको शाइनिंग वाली साटिन की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, जिसके कारण ना बहुत अच्छी शाइन आ रही है लहंगे में। एंड ये डे एंड नाइट दोनों के लिए परफेक्ट कलर है और इस तरीके ये लाइट कलर है ना अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है और अच्छे भी लगते हैं पहनने पे। थोड़ा एलिगेंट सा एंड रिच लुक आता है इस तरीके के कलर्स से। प्लस इसमें आपको यहाँ पे कैनवास देखने को मिल जाएगा बॉर्डर में, प्लस हैवी कैनकैन देखने को मिल जाएगी। तो अफोर्डेबल प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लहंगा है ये वाला एंड ये आपको सेम स्टिच देखने को मिलेगा, 8 साइड से खुला हुआ, जस्ट आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग स्टिच कराना है। तो इस तरीके का इसमें लहंगा दिया हुआ है। ब्लाउज भी इसका काफ़ी अच्छा आया है, इस तरीके का आपको साटिन फैब्रिक में ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। ये है इसका फ्रंट जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी है, इस तरीके का फुल जरी एंड सिक्वेंस का आपको फ्रंट देखने को मिलेगा और ये इन्होंने स्लीव्स के लिए दिया हुआ है कुछ इस तरीके का। ये आपको पूरा 90 सेंटीमीटर का फैब्रिक मिल जाएगा जो कि आपके एक्सेल डबल एक्सेल साइज में ईजिली आ जाएगा। तो इस तरीके का इसमें फैब्रिक दिया हुआ है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वर्क की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा नीटली वर्क किया हुआ है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग एक आपको अच्छा डिजाइनर लहंगा मिल रहा है क्योंकि कैनकैन वगैरह ऑलरेडी लगी हुई है तो आपको अलग से पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे एंड काफ़ी अच्छी सी डिजाइनर ड्रेस लगी मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग। तो इसको तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप बाय कर सकते हो। एंड कुछ इस तरीके का इसमें दुपट्टा देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही सुंदर सा लाइट वेट दुपट्टा है। पूरे दुपट्टे पे आपको इस तरीके का यहाँ पे सिक्वेंस का बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, लुक एट दिस ना, एंड पूरे पे आपको ये सिक्वेंस लगाए हुए हैं। 2.25 मीटर पर पूरा आपको ये दुपट्टा मिलेगा, लगाने के बाद लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा और ये सेलिब्रिटी स्टाइल लहंगा है, रैप्लिका है तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है बहुत ही प्यारा सा एक डिज़ाइनर जंपसूट एंड ये मीशो पे है, अभी है आउट ऑफ स्टॉक। इससे सिमिलर जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी जंपसूट हैं, मैं उनके कोड आपको डिस्क्रिप्शन में देने का ट्राई करूँगी तो आप ले सकते हो। तो इस तरीके का आपको एक पार्टी वेयर जंपसूट मिलेगा। मैं आपको इसकी रेट बता देती हूँ, इसकी रेट है 800 या 900 के अराउंड, ये मुझे मिला है मीशो से एंड ये कुछ इस तरीके का जंपसूट है। लुक एट दिस ना, ये इस तरीके का आपको फ्रंट देखने को मिलेगा और ये है नेक जिसे आपको बैक में टाई अप करना है एंड फुल सीक्वेंस वाला आपको ये फ्रंट देखने को इसमें मिल रहा है। ये आपको स्लीवलेस जंपसूट देखने को मिलेगा, फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, लाइट का फैब्रिक में है और कुछ और मिक्स फैब्रिक भी है इसमें जिसके कारण काफ़ी थिक फैब्रिक है एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। बैक में आपको ना चैन देखने को मिल जाएगी, फुल लुक एक बार आप साइड में देखना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसमें जो मैंने साइज पिक किया है वो है स्मॉल एंड इसमें आपको सारे साइज मिल रहे थे मीशो पे, जैसे ही आए आप ले लेना बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो री स्टॉक ही नहीं होते हैं। एंड एक काफ़ी अच्छा सा एक पार्टी वेयर एंड डिजाइनर जंप सूट है, कलर भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा, वाइन कलर में है एंड काफ़ी अच्छी एक डिजाइनर ड्रेस है तो आप इसे भी ले सकते हो। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने मीशो से पिक किया है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है एक बहुत ही प्यारा सा स्ट्रेट कुर्ता सेट एंड ये काफ़ी सुंदर है, लेवेंडर कलर में आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का एंड यार लेवेंडर कलर अभी है बहुत ज़्यादा ट्रेंडी। ये वाला कुर्ता सेट है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इससे सिमिलर कुर्ता सेट मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है आपके साथ, बस वो थोड़ा फ्लेयर्ड में था, ये आपको स्ट्रेट में देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके की आपको ये वाली कुर्ती देखने को मिलेगी इसमें। इस कुर्ती का जो फैब्रिक है रेयन फैब्रिक है एंड कुछ इस तरीके की वी नेक आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। नेक पे आपको है ना पूरे पे गोटे का काम देखने को मिल जाएगा। साइज मैंने इसमें लिया है मीडियम, शायद इसमें स्मॉल साइज मुझे मिला नहीं और सारे साइज अवेलेबल है मीशो पे, आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके की आपको इसमें फ्रंट देखने को मिल जाएगी, 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स पे भी आगे कुछ इस तरीके का वर्क किया हुआ है। काफी अच्छा सूट है ये वाला भी, इसमें प्रॉपर अंदर आपको लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, स्ट्रेट कुर्ती है, फुल लुक एक बार आप साइड में देखना काफी अच्छी है एंड बॉटम में आपको कुछ इस तरीके की इसमें पैंट दी हुई है, स्ट्रेट पैंट देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल प्लेन है, रेयन फैब्रिक है। एक तो रेयन फैब्रिक है जो काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहता है पहनने के बाद एंड स्मार्ट भी लगता है। इसमें आपको इलास्टिक वाले पैंट देखने को मिल जाएगी जो कि काफी ज्यादा सुंदर लगेगी पहनने के बाद। इस कुर्ता सेट को जो इनहेंस कर रहा है वो है इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा आपको बहुत ही प्यारा सा 3D प्रिंट में कुछ इस तरीके का दुपट्टा देखने को मिल जाएगा। लुक एट दिस ना, कितना प्रिटी है एंड पूरे पे आपको गोटे का वर्क देखने को मिल जाएगा, हैवी वर्क किया हुआ है, पूरे पे गोटा लगाया हुआ है, कुछ इस तरीके के आपको गोटे वाले ही टसल्स देखने को मिल जाएंगे एंड प्रिंटेड है पूरा प्रिंट, आप देख सकते हो कितना प्यारा
प्यारा लग रहा है, 2.25 मीटर का दुपट्टा है, फुल लुक एक बार साइड में देखना, काफी ज्यादा अच्छा आएगा। एंड ये इस कुर्ता सेट को भी मैं आपको प्राइस के अकॉर्डिंग हाईली रिकमेंड करती हूँ। काफी अच्छी एंड डिजाइनर ड्रेस है, प्लस बहुत ही एलिगेंट सी है, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आप इसे स्टाइल कर सकते हो अभी सारे फेस्टिवल में, काफी अच्छा लुक आएगा। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब जो नेक्स्ट और लास्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है एक गाउन का ऑप्शन। एंड ये वाली गाउन है ना, मुझे मीशो पे देखने पे काफी ज्यादा एलिगेंट लग रही थी, तो मैंने सोचा पिक करके देखता है, क्योंकि सिल्क अपने आप में एक रॉयल फैब्रिक है एंड काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके की पैकेजिंग में मिली है, कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे इसका काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसका दुपट्टा मरून कलर का है, गाउन आपको व्हाइट कलर में देखने को मिल जाएगी। इस तरीके की आपको ये वाली गाउन देखने को मिल जाएगी, व्हाइट कलर में है पूरी, एंड इसमें कुछ इस तरीके की इन्होंने स्लीव्स दी हुई है। लुक एट दिस ना, राउंड नेक है, यहाँ पे आपको ये बटन्स की डिटेलिंग की हुई है, जो कि कपड़े के ही बटन्स हैं, तो अच्छे लग रहे हैं। एंड कुछ इस तरीके की आपको ये फ्लेयर गाउन देखने को मिल जाएगी फुल लेंथ में। फैब्रिक है जो इसका है, सिल्क फैब्रिक है, अंदर की साइड प्रॉपर इसमें है ना साटिन की लाइनिंग आपको अटैच देखने को मिल जाएगी। फ्लेयर काफी अच्छा लगा, और गाउन है ना बिल्कुल सिंपल है, ओनली इसमें बॉर्डर है और स्लीव्स पे बॉर्डर है। तो एक बार फुल लुक आप साइड में देखना, क्योंकि इन्होंने गाउन बिल्कुल प्लेन रखे है, लेकिन इस गाउन को एनहांस करने के लिए इन्होंने दुपट्टा काफी ज्यादा अच्छा रखा है कंट्रास्ट में, जो कि काफी अच्छा लग रहा है गाउन के साथ। तो इस तरीके की आपको ये वाली गाउन देखने को मिल जाएगी। एंड साइज है मेरा इसमें मीडियम साइज, इसमें भी आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आपको जो भी लेना हो परचेज कर सकते हैं। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और अगर आप कोई सिंपल सी एलिगेंट सी ड्रेस ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भी इसमें चमक दमक नहीं है, प्लस आप इसे स्टाइल कर सकते हैं बेल्ट के साथ, काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो इस तरीके की है ये वाली गाउन, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप पहनने के बाद आप एक बार ट्राई ऑन देखना कैसी लग रही है, प्राइस में यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। एंड कुछ इस तरीके का इसमें आपको दुपट्टा देखने को मिल जाएगा, जो कि दुपट्टा है पूरा बनारसी सिल्क में, रेड कलर का इन्होंने दुपट्टा दिया है, फुल जरी का दुपट्टा है। इस तरीके का आपको दुपट्टे में बॉर्डर दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, एंड पूरे पे आपको जरी का काम देखने को मिल जाएगा। पूरा 2.25 मीटर का दुपट्टा है, एंड व्हाइट के साथ ये वाला कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ये वाली है ना ड्रेस ऐसी है, पूरे फेस्टिवल या फिर पूजा वगैरह के अकॉर्डिंग है ना, काफ़ी अच्छी ड्रेस है। ये की ड्रेस भी आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा एंड ट्रेडिशनल लुक आएगा। तो डेफिनेटली अगर आप कोई सिंपल सी ड्रेस लेना चाहते हो, ये वाली ले सकते हो, बहुत अच्छी लगेगी। तो गाइस, ये था आज का मेरा कंप्लीट कलेक्शन, आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आप इनमें से कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कर सकते हैं। प्लस आगे है ना आपको बहुत सारे मीशो हॉल देखने को मिलने वाले हैं, और वो सारे कोड्स ऐसे हैं, सारे आउटफिट ऐसे आने वाले हैं जिनके कोड्स आपने मुझे दिए थे। थोड़ा है ना शिफ्ट होने में टाइम लग रहा है मीशो से, लेकिन जैसे ही आएंगे आपके साथ कंटिन्यू मीशो वीडियो आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कमेंट कीजिए कि आपको सबसे अच्छा आउटफिट कौन सा लगा। एंड और कुछ मीशो से देखना चाहते हो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करिए, अगर मुझे पसंद आएगा डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। एंड मीशो से और क्या देखना चाहते हो, लाइक लहंगा हॉल, साड़ी हॉल। चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।